माई चैनल। आज ना 4 जनवरी है और आज ना मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस समय मैं आई हूँ मंदिर। वैसे तो मैं सुबह आना चाहती थी पर मैं आज पूरा दोपहर बड़ा बिजी थी, पूरी सुबह ही बड़ा ज्यादा बिजी थी, तो मैंने घर पे ही पूजा कर ली थी और हलवा बना के चढ़ा दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं शाम के टाइम मंदिर आ जाती हूँ। और मैं जिस मंदिर आई हूँ ना, ये है NIT में और ये मंदिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं आपको मंदिर दिखाने से पहले ना, अमोल और अक्षय ने ना मुझे रात को विश कर लिया था, तो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ वीडियो की, उन लोगों ने कितना फन किया मेरे साथ। झुंझुन तू गाना गा। अब अक्षय बजाने वाला है, देखो अक्षय गिटार रेडी, अक्षय रेडी हो रहा है। मेरे को आते ही की टूना सड़ा नहीं चले, अब नाव अक्षय रेडी, तुझे देखा तो जाना कुछ नहीं आता भाई, तू गर्लफ्रेंड के लिए नहीं गा रहा, सिस्टर के लिए गा रहा है। अब बस इतना ही था मेरा, रात के बज चुके हैं 12:20 हो चुके हैं और अक्षय तुम नट्टी डाल देते हैं। अमोल शर्मा हाँ अब हो जाए एक मत, जी हाँ आपके सामने है एक पेशकश, गायक है अमोल शर्मा, स्वर लिखे है अक्षय चौहान ने और फरमाइश आई है डिंपल चौहान की तरफ से, तो शुरू करते हैं। कौन सा गाना पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है आगे तो मेरे को भी नहीं आता। वो वाला कौन सा गाते हैं, माई भी मेरी वाला, आओ आप रहने दो दीदी। शिमले नी बसना कसाली नी बसना, शिमले नी बसना कसाली, रहन तो दीदी आप जाना जरूर। देख अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, सो शी इज द बर्थडे गर्ल, लुक एट हर। रात को देखा ना इन लोगों ने कैसे सरप्राइज दिया, मैं ना 12 बजे सो गई थी और सडनली अक्षय आया दूसरे रूम से और अमोल गिटार में जाके बर्थडे विश करने लगे, फिर मैंने फटाफट कैमरा लिया और मैंने शूट करना शुरू कर दिया। आजकल आपको पता ही है कुछ भी हो तो फटाफट कैमरा लेके मैं शूट कर लेती हूँ इजीलिए। और अब मैं मंदिर में दर्शन करूंगी तो मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा पार्टी करने। और ये पार्टी जो दे रहा है, ये दे रहे हैं अमोल शर्मा और अक्षय चौहान। मैं आ चुकी हूँ मंदिर, जो ये मंदिर है ना NIT के अंदर ही है और ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, तो मैं अब अच्छे से दर्शन करती हूँ और आप भी प्रार्थना कर लीजिए भगवान से और आपकी भी विशेष पूरी हो जाए। हम लोग मार्केट आए हुए हैं
और मैं पूछ रही हूँ अक्षय गिफ्ट क्या दे रहे अक्षय कुछ नहीं अमोल गिफ्ट क्या दे रहे हो ढेर सारा प्यार प्यार गिफ्ट दे रहे मेरे को कोई भी नहीं और मैं मांगी जा रही हूँ कि गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे दो मंगतू मैं मंगतू नहीं हूँ भाई बर्थडे आज तो बनता ही है गिफ्ट आज बनता है ना गिफ्ट कोई भी मेरे को गिफ्ट नहीं दे रहा मैं तो मांग के कर रही हूँ यार सोचो तो गाड़ी वाला ना उड़ा दे कहीं हम गिफ्ट मिलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे उड़ाएगा हम ही उड़ा देंगे इसको हम तो बोलेंगे भाई तो देखो अब अमोल ने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया ना अक्षय दे रहा है गिफ्ट क्या करना बस हम लोग अब थोड़ी देर में नहीं भाई गरीब नहीं तो अमीर है अमीर पूछो मतलब है ना स्प्रिंग रोल आज ओनली डिनर हमने सोचा थोड़ा एक मार्केट की गेड़ी मार लेते हैं तो फिर जाएंगे खाना खाने और इवन क्या बोलूं मैं अब बाय बाय हेलो अक्षय कुछ रिप्लाई भी कुछ बोलनी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी पार्टी का अमोल हम लोग इस समय सूरज में बैठे हैं और अमोल शर्मा ने किया है ये वाला केक ऑर्डर क्योंकि मुझे है चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद और वो रहे अमोल शर्मा और जो मेरा कैमरा मैन है जो मेरा भाई वो बेचारा कैमरा पकड़ा हुआ है और अब मैं खुद ही जलाने वाली हूँ क्या दिन आगे है खुद ही कैंडल जलाओ खुद ही चलो भाई हैप्पी बर्थडे भी रात में फूंक मार दो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर दीदी ओके हैप्पी बर्थडे टू यू अमूल केक कैसा है यम अक्षय केक सेक्सी यार केक तो आप लोग खा रहे हो गिफ्ट तो दिया ही नहीं ऑन कैमरा नहीं देते हम गिफ्ट मिलेगा यार ऐसी के बेशर्मी यार मतलब मेरा बर्थडे कोई गिफ्ट नहीं कुछ ही नहीं शेम शेम हम अपना टाइम दे रहे हैं यही गिफ्ट है पूछो मत प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बिजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी केक है यार सीरियसली बहुत ही यम केक है दीदी गई है वॉशरूम और हम सोच रहे हैं कि दीदी को सरप्राइज करें जो हम उनके लिए गिफ्ट लाए हुए हैं तो जीजू गिफ्ट लाए हैं तो चलो उनको सरप्राइज करते हैं चलो जी यहाँ पे रख दो अब जब दी आएगी तो मैं उनको ठीक है तो ये है दी का गिफ्ट तो देखते हैं अब इसमें क्या है वैसे मेरे को भी नहीं है पता क्या है तो आने दो दी को ये है दी का गिफ्ट सीरियसली थैंक यू
खोल के तो देखो नहीं क्या है। सोचिए इसके अंदर कुछ भी नहीं होती, धोखा हो गया आपके साथ। अच्छा मैं सच में बेस्ट वाइफ हूँ? ये तो बोलना ही पड़ता है हर पति को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। है क्या ये? इसके अंदर ये चिट्ठी होगी पक्का। ओह क्या बात है, क्या डायमंड रिंग लग रही है मेरे को। ये देखो इमोशनल बने। रो नहीं देना दीदी कहीं अब। थैंक यू। पहना दो जीजू। अब दीदी खुश है? बहुत ही ज़्यादा। दीदी एक हक भी दे सकती है जीजू को। खुश है ना अब? अमोल शर्मा, अभी को लगा नहीं था कि अमोल कोई गिफ्ट देगा, पर अमोल ने सच में मेरे को सरप्राइज कर दिया, वो भी रिंग देख के। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमोल कहाँ से आइडिया आया अंगूठी वाला? वहाँ से आइडिया है, जब तू सारे टाइम बोलती रहती है मेरे को गिफ्ट दो, मेरे को गिफ्ट दो, मेरे को गिफ्ट दो, फिर हमारे को सारे टाइम मना करना पड़ता है कि हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, कोई गिफ्ट नहीं दे रहे। फिर क्योंकि सारा साल सुनना पड़ता है तुम मेरे को सरप्राइज नहीं देते, सरप्राइज नहीं देते। हमने इस बार सरप्राइज दे दिया। सही बात है, मैं हर बार ही चिल्लाती हूँ कि आप मेरे को गिफ्ट नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते, और पैसे लेती हूँ और खुद ही खरीद लेती हूँ। इस बार ना मैंने पैसे लिए थे और अमोल ने सरप्राइज भी दे दिया, तो भाई खुशी होगी यार, मुझे गिफ्ट मिला है अमोल से। अब हम लोगों का ना डिनर आने वाला है और हम लोग डिनर इंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू अमोल। बाय बाय। अक्षय, अक्षय अक्षय ने दिए मुझे कैश, करा गया कैश। अक्षय थैंक यू, इतना सारा कैश। थैंक्स। अक्षय ने मुझे कैश और एक चॉकलेट दी और अमोल ने मुझे रिंग दी। बहुत ज्यादा खुशी, नहीं तो मेरे को लगा था ये लोग कुछ नहीं देने वाले, बस डिनर में निपटाने वाले हैं मुझे। धन्यवाद अक्षय। कोई बात नहीं, जीते। ये क्या था, जीते रहो। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है? बोल थैंक यू, वेलकम, जीते रहो। जी और जीने दो। आप ये कहते हो कि मैं जीने नहीं देती, अक्षय मैं सच में जीने देती हूँ। बोल को क्या लगता है तुझे? इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, नो कमेंट्स मेरी तरफ से। अमर ये आगे बहुत सारा डिनर, ये रहे बटर नान, वो रहे चावल, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। तो अब हम लोग करने वाले हैं डिनर इंजॉय। अमर खाना अच्छा लगा? अक्षय को खाना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनता है और मेरा तो हो चुका है, अब तो अति हो गई है, एक्स्ट्रा ही खा लिया है मैंने तो। हम लोगों के ना तीन रोटियां बची हुई हैं, तो हम लोग उन्हें एक ही खा लेते हैं। जैसे शिनचैन में वो सारे खा जाता हूँ, पेट ऐसे बाहर निकल जाते हैं, फिर ऐसे लेट जाऊ। मैं भी यही बोल रही हूँ, ऐसा कर लेते हैं हम लोगों को, पर हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची है अब खाने की। हमने बहुत ही ज्यादा खा लिया है, बहुत ही ज्यादा। अच्छी शाबाश डिंपल, एक और खा ले। डिंपल खा ले, नहीं तो तेरी असली एज बता दूंगा मैं। बता दो असली एज और वेट भी। आप बता दो, पर मैं खा नहीं सकती यार, नहीं खा सकती। रहा डिनर बहुत पाड़ू रहा। अक्षय कैसा रहा डिनर? मेरा पेट दर्द कर रहा है। हम लोगों का डिनर ना बहुत ज्यादा अच्छा रहा। हमीरपुर की गैंग, ये हमीरपुर की गैंग है। हम लोगों का डिनर ना बहुत ज्यादा अच्छा रहा। आई होप आपको भी ये मेरा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ज्यादा जल्द मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।